This wheel of fortune has definitely come down, if you see. His wheel of fortune has come down, and he's really wearing out. इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, और अपनी जितना भी इसने कांड किया था उसके अंदर ये दब गया है। तो वो चीज़ है, यू गेट अ वाइब दैट ही इज समबडी हु हैंग्स पीपल, लाइक ही टॉर्चर्स पीपल। और यहाँ पे ही इज समबडी हु इज ऑलवेज इन टू मनी, ही वॉन्ट्स मनी। और अभी अगर आप देखें तो उसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया है। द ही इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन हिज लाइफ एंड ही हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है उस पर। प्रेशर इन द सेंस कि वो अपने पाप के नीचे डूब गया है, उसने जो भी काम किया है। यहाँ पे उसने बहुत सारे पाप किए हैं, इफ़ यू सी हियर, काफ़ी पाप किया है, बहुत लोगों को हैंग किया है, टॉर्चर किया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोगों को हैंग और टॉर्चर किया है उसने, और अब उसके पाप का मटका फूट गया है, भर गया है, पाप का मटका भर के फूट गया है। यहाँ पे टावर इन अपोजिट, ऑल द कर्मा इज कमिंग बैक टू हिम नाउ, वट एवर ही हैज डन, ऑल द डार्क डीड्स, जितना भी काला काम किया है उसने, जितना भी इलीगल अनएथिकल काम किया है उसने, अब उसका मटका फूट गया है। और ये पूरा जो उसने फाउंडेशन बनाया था अपना इलीगल और अनएथिकल और अनफेयर काम करके, अब वो टूट गया है। हिज होल एम्पायर हैज कम क्रशिंग डाउन एंड ही समबडी हु इज इन टू लॉट ऑफ इलीगल मनी। ही लाइक्स टू मेक मनी इन अ इलीगल वे विच इज नॉट फेयर, विच इज अनएथिकल, एंड ही इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैंग्स पीपल, एंड मोस्टली लाइक इट इज ही हैंग्स गुड पीपल, क्योंकि यहाँ पे हेलो है एंड ही हैंग्स गुड पीपल। एंड नाउ ही इज पेइंग फॉर ऑल हिज कर्मा दैट ही हैज डन, नाउ ही इज बरिड अंडर हिज ओन कर्मा। सो वी आर चेकिंग अप ऑन दिस गाय, वॉट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, वॉट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस गाय। ही इज अ वेरी स्टबर्न गाय, बहुत ही जिद्दी है, अपने मन का करता है। एंड यस वी हैव सीन इन हिज पास्ट रिकॉर्ड्स ऑल्सो दैट हाउ ही हैज बीन हेल बेंट, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर का केस हो या पुरोहित का केस हो, जो वो थे उनके केस में भी, हाउ हेल बेंट ही इज इन प्रूविंग समबडी रॉन्ग। ही इज अ वेरी स्टबर्न पर्सन। व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ, लेट्स चेक दिस। ओके ही फील्स दैट ओके ही विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, काफी आसपास में बैरन लैंड हो गया है, कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई सपोर्ट नहीं है इस बंदे के पास, ये खुद ही अपना एक सपोर्ट लेके खड़ा है और ये बैक टू स्क्वायर वन हो गया है। अभी ये ही वॉज इन द हाइएस्ट पोजिशन इन पुलिस डिपार्टमेंट इन मुंबई, बट अभी देखिए ये बिल्कुल ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसने जितना भी कमाया था सारा पानी में निकल गया है, इट इज ऑल डाउन द ड्रेन और देर इज नो सपोर्ट अराउंड हिम, एंड दिस गाय इज फीलिंग लेफ्ट अलोन, एंड इट फील्स दैट ही विल हैव टू टेक द बैटल ऑल अलोन, दैट इज वॉट दिस गाय इज थिंकिंग। एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉट इज दिस गाय थिंकिंग। जस्टिस का टाइम आ गया है, क्वीन ऑफ वॉन्स की तरफ देख रहा है हेल्प के लिए, क्वीन ऑफ वॉन्स। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी उल्टे अवतार में आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट आ रहा है। ये अब जिसकी भी ताली बजा रहे थे, ये जिसके भी इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे, अब इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है उससे। ही इज लुकिंग टूअर्ड्स दिस लेडी फॉर हेल्प, बट दिस लेडी इज लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, दिस लेडी इज नॉट लुकिंग टूअर्ड्स हिम। तो दिस गाय हु ही वॉज
व्हाटएवर ही दिस पर्सन वॉज डूइंग अंडर द इन्फ्लुएंस, अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आप बोल सकते हो कि ये कर रहा था, पर अब जिसके भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इसने जो भी काम किया है, अब ये लोगों ने इससे पल्ला झाड़ लिया है, ये लेडी तो इसके तरफ देख भी नहीं रही है. ओके, सो दिस लेडी इज नॉट इवन सीन टू अस दिस गाय एंड ही इज रियली होपिंग दैट दिस पर्सन विल कम एंड सेव, बिकॉज इसने जो भी किया है इन लोगों के लिए ही किया है. ये सब पोलिटिकल पार्टीज को डिनोट कर रहे हैं, एक वन पोलिटिकल पार्टी एंड अनदर पोलिटिकल पार्टी. एंड दीज पीपल मेड हिम डू ऑल द थिंग्स दैट दे वॉन्टेड हिम टू डू एंड नाउ दे हैव मेड हिम अ स्केप गोट एंड दे आर रनिंग अवे फ्रॉम हिम. ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्स है, आप समझ सकते हो कि कौन है ये. ये वन पोलिटिकल पार्टी एंड दिस एंड शी इज एट द हेल्म ऑफ द पोलिटिकल पार्टी, द ब्रेन वुमन आप बोल सकते हो. और यहाँ पे देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है उल्टे अवतार में, तो ये आप समझ सकते हो कि कौन है. ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स के जो बेटे हैं ये वही हैं. तो इन लोगों ने इसको यूज किया और अब इसको यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया है, और अब इसको लग रहा है कि अब इसको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पूरी इंडिया इसके अगेंस्ट में हो गई है और इसने जितना नाम खराब किया है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो काफी यहाँ पे डिफिकल्टी बनता हुआ दिख रहा है. इट्स लाइक ही नोज दैट ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस एंड ब्रंट ऑफ व्हाटएवर ही हैज डन. ओके, सो दैट इज द गाइडेंस फॉर दिस पर्सन. लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ राइट नाउ. Tell us what is happening in life right now. What is happening in this person's life right now? Thank you so very much. What is happening in this person's life right now? Queen of Cups, Knight of Cups है, ठीक है. तो Knight of Cups इन उल्टा अवतार यहाँ पे इसके सेंटर में है लाइफ के. What is happening in his life right now? ये सोच रहा है कि Knight of Cups जो आएगा इसको कुछ help करेगा, but ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इसको help करने वाला है. इसकी दुनिया definitely खत्म हो चुकी है. एक जितना भी इसने पाप का दुनिया बनाया था, अब वो एक जिस तरह का उसका अंत होना था, एक पाप का दुनिया बनाओगे तो उसका proper end तो definitely नहीं होगा. It will come to a एंड दैट इट डिजर्व्स, अ कार्मिक एंड होगा. तो इसकी इसके पाप की दुनिया का भी एक कार्मिक एंड अब दिख रहा है कॉन्शियस लेवल पे. एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, देखिए यहाँ पे सब लोगों ने इसको छोड़ दिया है, सब लोगों ने इसको छोड़ दिया है. फिर से क्वीन ऑफ वॉन्स आई है, सारे लोगों ने इनको छोड़ दिया है. अनएथिकल जो भी काम किया था, अनएथिकल लोगों के साथ दोस्ती की थी, जिनके लिए इन्होंने काम किया था उनको हेल्प करने के लिए, अपने गवर्नमेंट का जो पोजीशन है उनका पावर था, जो भी उसको मिसयूज किया है, उन लोगों ने इसको अब डिच करके बाहर अपने घर से फेंक दिया है. तो इनकी जितना भी इन्होंने रिचेस क्रिएट किया था वो इट इज ऑल क्रशिंग डाउन, इट इज कमिंग क्रशिंग डाउन. और यहाँ पे देखिए अभी अभी जिन लोगों को भी इन्होंने हेल्प किया था वो लोग अभी इनसे पल्ला झाड़ लिया उन लोगों ने. यहाँ पे भी देखो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्वीन नाइट ऑफ कप्स है इनकी इनकी दुनिया बचा लेगा क्रशिंग डाउन होने से, लेकिन नाइट ऑफ कप्स भी इसके लिए बॉदर्ड नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में अपने ही किसी चीज के लिए बॉदर्ड है. यहाँ पे एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है जिसको ये कोशिश कर रहे हैं कि ये रीच आउट कर रहे हैं हेल्प के लिए, बट ये भी बंदर हेल्प नहीं कर रहा है इनको. और यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ कप्स ही है यहाँ पे सेंटर में, और इस नाइट ऑफ कप्स को बचाने के लिए ही इस बंदे ने सारा काम किया है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि नाइट ऑफ कप्स जिसको बचाने के लिए ये सारा काम किया था, उसने एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया था, ये बंदा भी अब इसको हेल्प नहीं कर रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो ही इज गोइंग टू दिस गाय एंड टेलिंग कि मैंने तुमको इतना हेल्प किया है, अब तुम मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाओ.
ओके, बिकॉज आई एम सो ट्रैप्ड इन प्रॉब्लम्स राइट नाउ, माई वर्ल्ड इज कमिंग डाउन, सो वाई डोंट यू हेल्प मी? एंड दिस गाय इज लाइक, ओके आई कांट हेल्प यू. और इसके फादर जो है इसको बोल रहे हैं कि तुम इस पर ध्यान दो. ये दोनों पावरफुल लोग हैं, दे आर नॉट पेइंग हीड टू हिम. पल्ला झाड़ लिया है यहाँ पे, आप देख ही रहे हो. और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इनको हेल्प करें, क्योंकि इन्होंने अपना पावर का यूज करके बाकी सारा काम जो इनको बोला गया था शायद वो किया था उनको. बट इनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, यही पता चलता है. क्योंकि यहाँ पे अगर फ्यूचर में देखो, रीसेंट फ्यूचर में देखो, तो ये अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं और एक काफी इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ही इज ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन वेयर ही कैन नॉट टेक अ यू टर्न, ही कैन नॉट गो फॉरवर्ड, ही इज कम्प्लीटली ट्रैप्ड 360 डिग्री इन टू इट. एंड ही इज फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज फीलिंग सॉरी फॉर हिज फैमिली. उन्होंने अपने फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली. तो जब भी आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, आपने गलत काम किया रहता है, तो और वहां से देर इज नो कमिंग बैक, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं. वन सेकेंड, लेट मी चेक दिस आउट. इनका होप है कि शायद इनको क्वीन ऑफ वॉन्स बचाएगी, बट क्वीन ऑफ वॉन्स इज बिजी विथ हर ओन थिंग्स. वो अपने कुछ और ही खिचड़ी पकाने में लगी हुई है, क्वीन ऑफ वॉन्स जो है, जो कि वन बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इसने हेल्प किया था. शी इज बॉदर्ड अबाउट हर ओन थिंग्स. सो लगता नहीं है कि इनको कहीं से भी हेल्प मिलने वाला है. जितने भी लोगों ने को सपोर्ट करके इन्होंने काम किया था, वो सारे लोगों ने पल्ला झाड़ लिया. यहाँ पे देखिए उनके पास्ट में काफी पैसे को लेके, यहाँ पे भी जो उन्होंने जितना भी पैसा कमाया है, काफी आप यहाँ से बोलते पास्ट में इनके पास पैसे कहाँ से आए हैं. पैसे के लिए यहाँ पे देखिए, पैसे को पाने के लिए इतना लस्ट था पैसे के लिए कि इन्होंने सारा गलत काम किया है. ओके, ही गॉट सो कैरिड अवे बाय द मनी एंड रिचेस एंड स्टेबिलिटी एंड वेल्थ, ये सारी चीजों के लिए इन्होंने सारा इलीगल काम किया है. ही गॉट कैरिड अवे, अपने पावर का यूज करके तरह तरह का आइडियाज लगा के सब लोगों को टॉर्चर किया है. ही मेड लूप वेज, यू नो ही मेड, जहां पे लॉ नहीं है वहां पे भी लॉ इन्होंने क्रिएट किया टू डू इलीगल स्टफ्स, टू डू द रॉन्ग थिंग्स, अनएथिकल थिंग्स, इल्यूजन, जो कि सही नहीं है करना, उसके लिए भी इन्होंने रास्ता बनाया है पास्ट में टू मेक मनी. लेकिन अब ऑफ कोर्स उनकी सारी दुनिया हैज कम डाउन बिकॉज ऑफ ऑल द डीड्स दैट ही हैज डन. ही सपोर्टेड द पीपल. बेसिकली इनका यही आ रहा है कि जितने भी गलत गलत संगति में जो रहे थे, ये गलत लोगों का साथ दिया, गलत लोगों के साथ काम किया, अपने लिए पैसा इकट्ठा किया, हर चीज किया, अब एवरीथिंग इज कमिंग एंड बाइटिंग हिम. तो इसकी दुनिया बिल्कुल उजड़ गई है. और इससे जितना भी हर चीज इन्होंने जितना भी अभी तक अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो सारा एक आप बोल सकते हो कि एक उनका रीच था, उसके कारण ही हैज बीन एबल टू डू इट. इट्स नथिंग दैट ही इज डन इट ऑन हिज ओन. और जितना भी बनाया था सब चीज, अब आप बोल सकते हो कि पानी में मिल गया है, मिट्टी में मिल गया, ऐसा हो गया इसके लाइफ में. तो यही है गाइडेंस इनका. डू लेट मी नो गाइज व्हाट यू फील अबाउट द गाइडेंस एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.